मेरा गुड नेम बोरिया थुकी है। तो अभी प्रेजेंटली बोलने से हम ये अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, तो सेक्रेटरी के अंदर में हम काम कर रहे हैं। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड बोलने से मिडिल क्लास फैमिली है। मेरा पिताजी भी गवर्नमेंट सर्विस में है और मेरा मॉम भी गवर्नमेंट सर्विस में है। तो इस बार ये इंस्टीट्यूट में आने का कारण तो यहाँ में जो बहुत सारा मोटिवेशन मिला है, स्पेशली हमारा कोयू सर, आज जो भी है हम आफ्टर मेरा माँ का नेक्स्ट तो मदर, हम अपना जो मेरा जो सक्सेस है हम तो कोई सर को देता है, ये इंस्टीट्यूट को देता है। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट नहीं होने से हमको मोटिवेशन नहीं मिलना था, क्योंकि हम ऑलरेडी सर्विस में हैं, हम ऑलरेडी हम अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन में हम सर्व कर रहा है। तो ऑफिस ड्यूटी ऑफिस ड्यूटी आना जाना करके उधर ऑफिस में बैठने से बहुत बिजी हो जाता है। तो जो कोई सर हमको यहाँ में जो पढ़ाया है, जो मोटिवेशन दिया है, जो उसका बात है, जो उसका पढ़ाने का तरीका है, उसका वजह से कैपिटल इंस्टीट्यूट जो नाहरलगन में या में जो है उसका वजह से आज हम सक्सेस को मिला है। और मेरा जितना श्रेय जाता है कैपिटल इंस्टीट्यूट और स्पेशली कोई सर, और या में फीस भी कभी कभार जब इनिशियल में हम सर्विस में नहीं था, क्योंकि 2019 से हम कर रहे हैं, 2019 से अभी ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गया। 6 ईयर्स होने के बाद भी कोई सर का जो मोटिवेशन है, फाइनेंशियली भी हम लोग को कभी कभार हम कोचिंग का भी फी देने के लिए नहीं होता था। तो ऐसे करके आज जो भी मैं मुकाम में हूँ कोई सर का वजह से हूँ। थैंक यू जी। ये रहा आपका जो कोई सर के थ्रू जो आप मोटिवेट किया है, तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इंस्टीट्यूट में आने के लिए कौन आपको मोटिवेट किया था, ये इंस्टीट्यूशन को आप कहाँ से दिमाग में क्लिक किया कि ये इंस्टीट्यूट में हमें नामकरण करना है? एक्चुअली ये भी एक गॉड ग्रेस है, हम तो बोलेगा गॉड हमको इधर भेजा है। सबसे पहले तो हम स्टेनोग्राफर, हमको कोई भी ऐसे सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड से कोई नहीं था स्टेनोग्राफर, क्योंकि हम लोग का निशी फैमिली सोसाइटी में तो कोई इसको स्टेनो को इतना मालूम भी नहीं था ना। तो निशी में हम लोग का फैमिली में हम फर्स्ट है स्टेनोग्राफर, तो हमको कोई बोला भी नहीं। लेकिन हम स्टेनो को क्या है बोल के हम थोड़ा सर्च करने शुरू किया। सर्च करके शुरू करने के बाद हमको पता चला कि इंस्टीट्यूट ऐसा है, तो थोड़ा सा पूछताछ किया तो सब लोग का रिकमेंडेशन आया कि कैपिटल इंस्टीट्यूट इज़ बेस्ट ना इन अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसा करके हमने यहाँ पर एडमिशन लिया। तो यहाँ पर एडमिशन लेके मेरा लाइफ जो ए से अभी जेड में मीन्स ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो हम बहुत खुशी है। और फिर से हम तो अपना श्रेय और अपना जो आज का सक्सेस है हम कोई सर को डेडिकेट करता है उसका वजह से, और ये इंस्टीट्यूट का वजह से हम आज ये मेरा अपना लाइफ को हम चेंजेस लाया है। थैंक यू आप मीडिया पार्टनर्स को जो हम के यहाँ इंस्टीट्यूट पे आया है, और हम ये बोलना चाहते हैं मेरा लाइफ एक्सपीरियंस ये इंस्टीट्यूट के साथ, कि जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि हमको कोई सजेस्ट नहीं किया था कि इससे ग्राफी करना है, पीए बनना है। बस बोला था मेरा दीदी यमा पतंग जो है, वो बोला कि पीए एक बार करके स्टेनोग्राफर ग्राफिक करके देखो, शॉर्ट हैंड ट्राई करके देखो, यह अच्छा आपका लाइफ ये के लिए भी अच्छा जाएगा। तो मैंने यहाँ आया, फर्स्ट आया तो एडमिशन के लिए बात हुआ, तो पूछा कि टीचर यहाँ का फैकल्टीज़ कैसा है, तो उसने बताया कि फैकल्टीज़ तो यहाँ हम लोग का लोकल आदमी है, लोकल सर है बोला। तो फिर हम लोग सोचा कि लोकल इंसान और लोकल टीचर फैकल्टीज़ तो हमने के अरुणाचल पे थोड़ा समझ गया होगा आप लोग भी, थोड़ा मतलब नॉन के हिसाब से थोड़ा हम लोग कम सोचते हैं, पर ऐसा नहीं रहा, बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। और ये लोग हम लोगों के सर जो कोयू सर है, हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है। कुछ भी अगर आप मतलब बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि मीडिया पे कि हम लोग का स्टेनो के लिए पीओ के लिए तो बहुत साल से पढ़ाई कर रहा था हम लोग, लास्ट 5-6 ईयर से हम लोग यहाँ पे है। ऑलरेडी हम लोग ये पीए को छोड़ी दिया था, स्टेनोग्राफी छोड़ दिया था, पर सर ने हम लोगों को मोटिवेट किया, वो सपोर्ट किया। उसका गाइडेंस नहीं होने से हम लोग यहाँ इस मुकाम पे आज तक हम नहीं पहुँच सकना था। वो लोगों ने इवन हम लोग का वो जो ये रिसेप्शनिस्ट मैडम है, वो उसने भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। ये है तो मैम इस बेनिफिट का थ्रू अगर कोई आपका ही जैसा अगर स्टेनो करना चाहेंगे तो इस बेनिफिट का थ्रू आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ये तो सच बात है, अगर आप पीए स्टेनोग्राफी करता है तो आप लोगों का लाइफ श्योर सक्सेस होगा। और वही है, आप हम तो बोलेगा कि आप सब भी
प्लीज़ यहाँ हम लोग का बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है हम लोग का अरुणाचल में, पूरा अरुणाचल में कैपिटल इंस्टीट्यूट, यहाँ से आप श्योर अपना सक्सेस को आगे लेके जाएगा, आपका आपका लाइफ सक्सेस ही रहेगा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेलकम करता है MPL न्यूज़ को। तो आपका माध्यम का थ्रू हम बताना चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट एक्चुअली हम लोग स्टडी को लेके इसमें इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट स्टेनोग्राफी कोर्स हम लोग जब ज्वाइन किया था तो हम लोग इसका ए भी हमको मालूम नहीं था, तो वो सब सर का गाइडेंस के अंदर में हम लोग आके धीरे धीरे हम लोग कैचअप किए। और किस तरह से सर हम लोग को थ्योरी क्लास कराते समय हम लोग को सर कॉम्पिटिटिव स्टेज में ला देता है कि हर दिन क्लास में डिक्टेशन होता है, हर दिन क्लास में टेस्ट होता है, इस तरह से हम लोग एक दूसरे को कम्पीट करता था क्लास में भी ना। तो वो कम्पीटनेस लेवल जो हम लोग का एनर्जी लेवल को बूस्ट करता था हमेशा, ताकि हम घर जाके और जाके हमको पढ़ना है, खुद को हम लोग देखता था कि आज हम क्लास में किस तरह से हम परफॉर्मेंस दिए, तो नेक्स्ट दिन हमको जाके ये लेवल से थोड़ा हाई लेवल में हमको परफॉर्मेंस देना है। तो हर दिन हम लोग क्या करता था, जब थ्योरी बेस से हम लोग हर दिन हम लोग दिन में 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करता था स्टेनोग्राफी, प्लस साथ में हम लोग का दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाई करने के लिए है ना। उसका बाद लास्ट में हम लोग का जब स्पीड क्लास आना शुरू हो गया, तब हम लोग अपना जो प्रिपरेशन लेवल है उसको हम लोग एक्स्ट्रा डबल करा दिया। तो दिन में हम लोग कभी कभी 6 घंटा भी स्टेनो लिख के बैठता था हमेशा, चाहे हाथ दर्द होना क्यों ना हो, लेकिन हम लोग एक बार हम लोग ये प्रोफेशन को हम लोग अपना सक्सेस या हमें कराएगा बोल के आ दिया, तो हम लोग ये चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस करके हम लोग आगे जाएगा बोल के हम लोग मन में बना लिया, और आज फाइनली हम लोग सक्सेसफुल भी हुआ है। तो ये जितना भी हम लोग को इसमें जो मोटिवेशन, डेडिकेशन, जो सिंसियरिटी, जो जो चीज़ भी हम लोग का अंदर में बदलाव आया है वो सर का वजह से आया है ना, स्पेशली हम लोग का कोई सर का वजह से आया। सर एग्जैक्ट आपका जो स्टडी, जो स्टडी में आपका प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग, जो स्टडी के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग में आपको एग्जैक्ट किस प्रकार से ये इंस्टीट्यूशन जो मदद, प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग में स्पेशली ये प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग में बोलने से स्टडी रूटीन प्लस एग्जाम थिक टिल कंडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन ना, तो इसमें इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है। स्पेशली स्टडी रूटीन में तो सर भी हम लोग को हमेशा बताता है कि बींग ए स्टेनोग्राफर तुमको क्या करना चाहिए ना, तुम्हारा किस तरह से डेली रूटीन होना चाहिए, और किस तरह से दूसरा सब्जेक्ट का साथ में भी तुम दूसरा सब्जेक्ट को भी टच बिना छोड़ के किस तरह से पढ़ना है ना, वो सब सर पूरा ए टू जेड हम लोग को गाइडेंस हमेशा देता था डेली वाइज में, एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि नहीं देखे। और प्लस हम लोग जब क्लास भी नहीं आता था, इनकेस हम लोग एक दिन भी क्लास मिस करने से सर हम लोग को पर्सनली टेक्स्ट करेगा, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्लास नहीं आ रहा है, और ये चीज़ लेके सर हम लोग का रूटीन में हम लोग को ला देता था धीरे धीरे करके, ताकि हम लोग डेली क्लास अटेंड करेगा, डेली हम लोग बुक्स का साथ में टच रहेगा। प्लस वो सिर्फ भी नहीं है, हम लोग ये जर्नी में हम लोग बहुत हर्डल्स देखा है ना, स्पेशली इनके सब रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे हर्डल देखा है। तो हम लोग का ये इंस्टीट्यूट का तरफ से भी इसमें बहुत सर का तरफ से हम लोग को बहुत इमोशनल, फाइनेंशियल प्लस फिजिकल सपोर्ट हम लोग को मिला है। जब भी हम लोग ऑफिस जाता था, स्पेशली ऑफिस में जाके हम लोग ऑफिसर्स लोग के लिए हम लोग का RR ये सब को डिस्कशन जब करने जाता था, तब इंस्टीट्यूट का तरफ से हम लोग को, क्योंकि हम लोग सब बैकग्राउंड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के पास पैसा वैसा नहीं होके बैठता था, तो ऐसे समय में भी सर कभी नहीं सोचा कि मेरा एक पर्सनल बेनिफिट के लिए देखेगा, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, और मेरा स्टूडेंट लोग कल जाके एक क्वालिफाइड आदमी बन के पर्सनैलिटीज होके दिखाना है ना, तो इसके लिए सर का तरफ से हम लोग को बहुत सारा से फाइनेंशियल, इमोशनल प्लस फिजिकल सपोर्ट मिला है। तो ये हम लोग को आज इतना भी सोचने दिया है कि सर हम लोग के लिए इतना कर सकता है, तो हम लोग सर के लिए अपना लेवल बेस्ट पढ़ाई करके दिखाएगा, और हम लोग सर को सक्सेस स्टोरी हम लोग एक ना एक दिन हम लोग देना है। प्लस सर को हम लोग जितना हम लोग का वो है सक्सेस का पीछे जो है ना, तो वो सर को हम लोग क्रेडिट सर को देना है ना, और आज हम खुशी से देते हैं सर को क्रेडिट, 100% क्रेडिट सर को देता है ना, प्लस अपना फैमिली तो है ही है। थैंक यू। मैम आपका ही जैसा अगर स्टूडेंट यहाँ से सक्सेसफुल बन के जाना है, तो आप उसे किस प्रकार से एडवाइस या फिर सलाह या फिर संदेश? अगर मेरे जूनियर्स को अगर मेरा ही जैसे अगर सक्सेस पाना है तो उसको मेरे ही थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन उसको मेरी तरह मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी स्टेनो कर रहे हैं, जितना भी अरुणाचल में स्टेनो कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता है स्टेनो जो है बहुत हार्ड है,
स्टेनोजो, क्योंकि उसको ऐसा कोई भी आप ऐसे पढ़ लिया ना, अभी आप पढ़ लिया तो आज आप जान गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आपको सक्सेस होना है, मेरे जैसे पीए बनना है, तो आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना हम सब ने मेहनत किया है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आपको हर सुबह उठ के आपको स्टेनो लिखना पड़ता है, हर दिन आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपको पीए बनना है तो आपको हर सुबह उठ के एक डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। आपको हर सुबह 2 घंटा, अगर आप स्पीड अगर आपका ठीक है तो हर सुबह आपको 2 घंटा देना पड़ेगा। अगर आप स्पीड में कम है तो आपको 4 आवर्स 5 आवर्स देना पड़ेगा, और वो डेली होना पड़ेगा। कंसिस्टेंस मतलब उसका जो कंटिन्यूसली आप फॉलो करना पड़ेगा आपका रूटीन को, तब जाके आप जो है ये अचीव कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आप आज पढ़ा और या फिर एक सप्ताह आपने क्लास नहीं किया, तो इसमें ऐसा होता है कि आप भूल जाता है स्ट्रोक को। तो स्ट्रोक को आपके हाथ में लाने के लिए आपको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार आपको उसको देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, वो सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा स्टेनोग्राफर बनेगा। अगर आप अच्छा स्टेनोग्राफर बनेगा तो आप अच्छा पीए भी जरूर बनेगा। थैंक यू। माय नेम इज़ तुमदा गांगू। तो आपको MPL न्यूज़ को बहुत बहुत वेलकम, आके हम लोग यहाँ पे टेलीकास्ट करने के लिए ना, हम लोग ये इवेंट को आप कैप्चर करने के लिए फॉर लाइफ टाइम मेमोरी के लिए, सो आपको हम बहुत वेलकम करते हैं। सो आज हम लोग एक प्रोग्राम था, तो एक छोटा सा हम लोग सर को एक टोकन ऑफ लव, हम लोग सब जितने जितने जो जो सक्सेस हुआ है, सो हम लोग सब थोड़ा थोड़ा अपना पैसा उठा के सर को हम एक बाइक गिफ्ट किया था। तो सर हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है, बट हम लोग सर को जस्ट थोड़ा सा एक छोटा सा अपना तरफ से सब हम लोग एक मतलब पैसा उठा के हम लोग सर को थोड़ा सा अपना सर को अपना एज ए ट्रिब्यूट ना, एज ए सर को हम लोग अपना पे बैक करने के लिए सर को हम लोग दिया था सर को। में हम लोग का ये भी था कि आउट ऑफ हम लोग का जितना स्टूडेंट था, आउट ऑफ 54 में से हम लोग का 45 ऐसे हुआ है हम लोग का सिलेक्शन। और हम लोग का यूजुअली सक्सेस का हम लोग इंस्टीट्यूट का हमेशा 90% रहता है ना। आप प्रीवियस में भी ऐसे था, हम लोग का सीनियर लोग भी ऐसे था, तो अभी भी हम लोग वही बरकरार है। तो उस खुशी में भी हम लोग और मतलब वो हो के खुशी होकर हम सर को एक वो एक प्रोग्राम हम लोग बनाना ही है जिसे भी ना करके हम लोग ऐसे करके हम लोग कल एक आज हम लोग एक आपका एक इवेंट हम लोग किया था, ऑर्गेनाइज किया था सर के लिए, स्पेशली फॉर सर के लिए हम किया था।